नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मोहित। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसकी तैयारियों के लिए बीते दिन परिवहन मंत्री चंदन रामदास और उत्तराखंड सरकार की अध्यक्षता में उत्तराखंड के परिवहन आयुक्त कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन विभाग के सचिव अरविंद सिंह हयांकी द्वारा साल 2023 में होने वाली चारधाम यात्रा को बिना किसी परेशानी और सुगम बनाने के लिए विभाग द्वारा किए गए कामों से अवगत कराया गया। वहीं चारधाम यात्रा में नियमित और सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त रोडसेन यात्रा व्यवस्था समिति का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत 1584 बसें संचालित की जाएंगी। रोस्टर व्यवस्था से बाहर संचालित 3200 अतिरिक्त बसें यात्रा में परिवहन निगम की 100 बसें संचालित किए जाने के साथ ही यात्रियों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी होने पर कुमाऊं मंडल की 100 बसें की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त वाहनों को चेक पोस्ट पर रुक कर इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए चेक पोस्ट पर इंटरनेट और टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्हें ग्रीन कार्ड सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा। विभाग द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए ग्रीन कार्ड मोबाइल ऐप भी विकसित किया जा रहा है, ताकि कोई भी यात्री कभी भी कहीं से भी अपना टिप कार्ड बनवा सके। चारधाम यात्रा मात्र परिवहन विभाग ही नहीं बल्कि पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य, पुलिस सभी विभागों से संबंधित है। वही बता दें, इस बार पिछली कमियों को दूर करते हुए नई और बेहतर सुविधाएं यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बार यात्रा में युवा वर्ग और छोटे बच्चे भी शामिल हैं, ऐसे में अब यात्रा का स्वरूप बदला है। इसको देखते हुए सभी लोग दर्शन कर पाएं, इस पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं सब चालकों और परिचालकों के कल्याण के लिए चालक कल्याण योजना भी बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा पहले चरण में 50 लाख रुपए की धनराशि रखी गई है। इस योजना के अंतर्गत सभी चालकों को और परिचालकों को प्रशिक्षण धामों में और मार्गों में विश्राम स्थल की व्यवस्था, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था और यात्रा पर जाने से पहले उनके स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। वहीं सुरक्षित यात्रा को देखते हुए सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने की वजह से ऋषिकेश और हरिद्वार में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, उसके लिए भी नए ट्रैफिक प्लान की व्यवस्था की गई है। वहीं आपको बता दें, परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि मुख्य मार्गों से बसें हटाकर यात्रा मार्गों पर ना लगाई जाएं। तो फिलहाल अभी के लिए हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।